हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पॉलीटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही आकर्षक ढंग से आप तैयारी करिए और आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार पेपर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस आया है दोस्तों, बहुत ही ईजी आया है और बहुत ही कम कट ऑफ ही इस बार जाएगी आप लोगों के पॉलीटेक्निक के एडमिशन में। अगर आप पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि पल पल की हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मापन। जी हाँ, मापन चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको हर एक पेपर में लगभग एक दो क्वेश्चन मापन के ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मापन या अर्थात मेजरमेंट, तो आइए देखते हैं मापन और मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट में क्या है, हम क्या मापते हैं, तो चलिए दोस्त देखते हैं। सबसे पहले हम पर्चे की बात करेंगे मापन में। मापन में पर्चे क्या होता है, तो पर्चे देखते हैं अर्थात इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है दोस्तों, मापन जो है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी राशि हो अगर हम उसको मापते हैं तो उसके लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मानक हमारा दो भागों में विभक्त किया गया है। जी हाँ, मानक जो होते हैं उसे हम दो भागों में व्यक्त किए हैं। पहला जो है दोस्तों आंकिक मान, दूसरा जो है दोस्तों मात्रक। पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा जो है दोस्तों यूनिट है। तो देखते हैं, सबसे पहले आंकिक मान, जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू के नाम से जानते हैं, क्या है, जो उस राज के परिमाण को प्रदर्शित करता है, जो उस राज के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जी हाँ दोस्तों, आंकिक मान जो होता है वह होता है कि किसी राज को परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए वह दर्शाएगा कि वह कितनी बार उसके मात्रा में, या वह राज कितनी बार उस मात्रा में सम्मिलित है। तो उसके हम दोस्तों जो कहते हैं आंकिक मान कहते हैं। और आगे चलते हैं, दूसरे पे जो है मात्रक है, जिसे हम यूनिट के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत चलते हैं। वह राज के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राश मापी जाती है। जी हाँ दोस्तों, वह राज का मात्रक जिसमें वह भौतिक राश मापी जाती है, किसी भौतिक राज का आंकिक मान जो होता है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, यह था आपका परिचय राज के मापन के, और राज कितने प्रकार के होते हैं तो आपने पढ़ लिया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है राशि तथा मात्रक। जी हाँ, राशियाँ और मात्रक के बारे में चलो हम चर्चा करते हैं। भौतिक में निम्नलिखित तीन राशियाँ हैं। जी हाँ, भौतिकी में आपको तीन प्रकार की राशियाँ मिलेंगी। तो पहली राशि जो है दोस्तों, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो है मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक। जी हाँ दोस्तों, मूल राशियाँ क्या है और मूल मात्रक क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। वे भौतिक राशियाँ, जी हाँ, वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं वह मूल राशियाँ कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, मूल राशियों वह राशि होती है जो एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती है, अर्थात एक दूसरे से संपर्क नहीं रखती। वो राशियाँ क्या होती हैं, आपकी मूल राशियाँ कहलाती है। जैसे अगर ले हम तो लंबाई जो है आपकी दोस्तों मूल राशि है, द्रव्यमान आपकी मूल राशि है, समय आपकी मूल राशि है, विद्युत धारा आपका मूल राशि है, ताप आपका मूल राशि है, ज्योति तीव्रता आपकी मूल राशि है, तथा पदार्थ भी, जो पदार्थ की मूल मात्रा है, ये सब जितने हैं दोस्तों सब आपके मूल राशियां हैं। और आगे चलते हैं, आगे है मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक। मूल राज को जो हम व्यक्त करते हैं जिससे, और उसके लिए जो मात्रक, मूल मात्रक यूज प्रयोग करते हैं, उसे हम दोस्तों मूल मात्रक के नाम से जानते हैं। मूल मात्रक में जैसे हो गया दोस्तों मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, केल्विन हो गया, कैंडेला, एम्पियर, मोल, ये सब दोस्तों मूल मात्रक हैं। और जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां आपकी हो गई लंबाई। दोस्तों इसकी मूल राशि जो है लंबाई है, और इसका मात्रक जो है मूल मात्रक, लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर। तो दोस्तों जो जिससे हम व्यक्त करते हैं वो हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं, और जिसमें हम नापते हैं वो हमारी राशियाँ कहलाती है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पर है दोस्तों
पूरक राशियां तथा मात्रक। जी हाँ, पूरक राशियां क्या है और मात्रक क्या है। पहला था मूल राशियां और मूल मात्रक, दूसरा है पूरक राशियां तथा मात्रक। इसमें जो है दोस्तों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट के बारे में हम चलिए बात करते हैं। ये वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु बीमाएं नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं और बीमाएं नहीं होती वह कौन सी राशि कहलाती है दोस्तों? वह पूरक राशियां कहलाती है। जी हाँ, वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं परंतु उनकी बीमाएं नहीं होती वे राशियां पूरक राशियां कहलाती है। तलीय, जैसे तलीय कोण, घन कोण, ये जो है पूरक राशियां हैं और इनके मात्रक जो है दोस्तों क्रमशः रेडियन है और स्टे रेडियन है। तो दोस्तों यह था पूरक राशियां और मात्रक। आगे चलते हैं साथियों तीसरे नंबर पे, जो कि तीन भागों में बांटा गया था, तो दो के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तीसरा है दोस्तों व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक। जी हाँ दोस्तों, व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक के अंतर्गत ड्राइवेट क्वांटिटीज एंड यूनिट के अंतर्गत चलते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी राशि होती है जो मूल राशि की सहायता से प्राप्त होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं वे व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे दोस्तों क्षेत्रफल, जी हाँ क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल आदि व्युत्क्रम व्युत्पन्न राशि हैं। जी हाँ दोस्तों, ये राशियां जो हैं व्युत्पन्न राशि हैं क्योंकि ये राशि मूल राशि की सहायता से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, व्युत्पन्न राशियों के व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने में जो मात्रक हमारे प्रयोग होते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक मूल मात्रों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मात्रक जो है मूल मात्रों को की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे दोस्तों क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, जो मूल मात्रक से प्राप्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपने क्वेश्चन को जरूर छोड़ेंगे। आगे चलते हैं साथियों, इस चैप्टर को दोस्तों हम दो भागों में बांटेंगे। पहले भाग में आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और दूसरे भाग में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आगे चलते हैं साथियों, आप पूरे लास्ट तक बने रहें। वीडियो के कमेंट में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन जरूर लेके आए हैं, आप उनके आंसर देंगे। चलिए देखते हैं अगला है साथियों, मात्रकों की पद्धति। जी हाँ, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। जी हाँ, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं? तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का समुच्चय मात्रकों की पद्धति कहलाता है। जी हाँ, भौतिक राशि और मूलभूत व्युत्पन्न, जी हाँ भौतिक राशि और मूलभूत व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का समुच्चय जो है मात्रकों की पद्धति कहलाता है। तो दोस्तों निम्न प्रकार की पद्धति है जो हमारे इस समय जो कि संसार में चल रही है। तो पहला है दोस्तों CGS पद्धति। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इसको जरूर तैयार कर लेना, CGS पद्धति। तो दोस्तों CGS का जो फुल फॉर्म होता है, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम और एस से होता है सेकंड। जी हाँ, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यह पद्धति मात्रकों की गासीय पद्धति भी कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, यह पद्धति जो है मात्रकों की गासीय पद्धति भी कहलाती है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड में मापा जाता है। तो दोस्तों इसमें फिर से देख लो, इसमें जो है दोस्तों CGS पद्धति में लंबाई को दोस्तों सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है और समय को दोस्तों सेकंड में मापा जाता है। फिर से एक बार देख लो दोस्तों, CGS पद्धति में जो होता है लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को साथियों ग्राम में मापते हैं तथा समय को हम सेकंड में मापते हैं। इसीलिए इसे CGS पद्धति के नाम से जानते हैं, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है MKS। जी हाँ, MKS पद्धति। MKS पद्धति का जो फुल फॉर्म होगा साथियों वो होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। जी हाँ, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं।
यह पद्धत जार्जी पद्धत भी कहलाती है। जी हाँ साथियों, यह पद्धत इस पद्धत को हम जार्जी पद्धत के नाम से भी जानते हैं। इसमें लंबाई को दोस्तों मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीजीएस का पूरा बड़ा पैमाना इसमें ले लिए। तो दोस्तों सीजीएस में हम सेंटीमीटर में नापते थे लंबाई, और इसमें हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं दोस्तों। इसमें ग्राम में नापते थे सीजीएस में, और एमकेएस में हम क्या करते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। और सेकंड दोस्तों समय को सेकंड में मापते थे, और यहाँ भी हम समय को सेकंड में ही माप रहे हैं। तो आगे चलिए दोस्तों, यह पीएस के पद्धति के बारे में जानते हैं। यह पीएस, जी हाँ दोस्तों, यह पीएस यह जो है ब्रिटिश प्रणाली है। इसके अंतर्गत दोस्तों यह पीएस का जो फुल फॉर्म है वो है फुट पाउंड सेकंड। जी हाँ दोस्तों, यफ से हो गया फुट, पी से हो गया पाउंड तथा सेकंड। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंतर्गत, दोस्तों इसमें लंबाई जो है, लंबाई को हम फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को साथियों हम पाउंड में नापते हैं, और समय को हम सेकंड में मापते हैं। तो आपने तीनों में अंतर देखा होगा कि समय को हम सेकंड में मापते हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल समय ही ऐसी इकाई है जो तीनों पद्धति में सेकंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है, और बाकी को हम अलग अलग पैमानों में नापते हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों, अगला पद्धति है एस आई पद्धति। जी हाँ दोस्तों, एस आई पद्धति, एस आई पद्धति के बारे में हम बात करने चल रहे हैं। तो एस आई पद्धति आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। इसके अंतर्गत यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। जी हाँ दोस्तों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है एस आई पद्धति, तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। यह जो है संपूर्ण भौतिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। इसे आधुनिक एमकेएस पद्धति के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे हम एमकेएस, आधुनिक एमकेएस पद्धति के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, आगे है एस आई पद्धति में 7 मूलभूत राशियाँ हैं। ये राशियाँ तथा इनके मात्रक निम्न तालिका में दिए गए हैं। तो दोस्तों इसको हम आपको 7 मूलभूत राशियाँ और इसके मात्रक जो हैं नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। दोस्तों इसको हम पहले बता चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक से महत्वपूर्ण ये 7 राशियाँ और इनके मात्रक को आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों, आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, आप कितने अच्छे तरीके से इसको तैयार किए हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है साथियों, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राज का मात्रक है। जी हाँ, एंगस्ट्रॉम जो है वह किस भौतिक राज का मात्रक है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है ध्वनि के वेग का, दूसरा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का, तीसरा है साथियों प्रकाश के वेग का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राज का मात्रक है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, ध्वनि के वेग का, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का, प्रकाश के वेग का, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा बी वाला, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का। जी हाँ दोस्तों, हम एंगस्ट्रॉम की जो राशि है भौतिक वह है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का। आगे चलते हैं साथियों, अगला है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 mm है, वर्नियर स्थिरांक का मान है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है ए 0.1 सेंटीमीटर, बी है दोस्तों 0.01 mm, सी है साथियों 0.01 सेंटीमीटर, डी है 0.05 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम इसमें जब वर्नियर कैलिपर का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो दोस्तों आपको इस पूरा हम बताए थे किस प्रकार से स्थिरांक का मान निकालते हैं। तो आपको अगर वो चैप्टर पढ़ना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उस लिंक से जाकर उस चैप्टर के बारे में पूर्ण डिटेल रूप से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वह होगा डी 0.05 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं साथियों, अगला है, केल्विन किस राज्य का मात्रक है। जी हाँ, केल्विन जो है वह किस राज्य का मात्रक है, अर्थात केल्विन में हम किसको मापते हैं। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प जो है वो है विद्युत धारा का, दूसरा दोस्तों ताप का, तीसरा ज्योति तीव्रता का, और चौथा जो है डी ऊष्मा का। तो दोस्तों केल्विन किस राज्य का मात्रक है।
तो आंसर आपका दोस्तों जो है वो है बी। जी हाँ, केल्विन जो है ताप का मात्रक है। तो और भी तीन मात्रक ऐसे हैं दोस्तों जिससे हम ताप मापते हैं। आपका एक होता है दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है दोस्तों फारेनहाइट, तीसरा है दोस्तों रिमर और चौथा है केल्विन। जी हाँ, आपके ये चारों मात्रक हैं चलो जिससे हम ताप को मापते हैं। आगे चलते हैं साथियों, आप क्वेश्चन का आंसर दे कर जाएंगे और आप अगर क्वेश्चन को आंसर नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। आगे चलते हैं और आपका जो भी क्वेश्चन हो साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी या पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तो आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपकी तैयारी कराएंगे। तो चलिए देखते हैं लीटर किस पद्धति का मात्रक है। जी हाँ, लीटर जो है वह किस पद्धति का मात्रक है। तो दोस्तों लीटर जो है किस पद्धति का मात्रक है। पहला विकल्प है मीट्री, दूसरा एमकेएस, तीसरा ब्रिटिश, चौथा जो है भारतीय। तो मीटर किसका मात्रक है। जी हाँ, लीटर किस पद्धति का मात्रक है। तो साथियों लीटर जो है आपका मीटरी पद्धति का मात्रक है। जी हाँ, सही आंसर है दोस्तों ये वाला, मीट्रिक पद्धति। जी हाँ, लीटर जो है वह मीट्रिक पद्धति का मात्रक है। तो आगे चलते हैं, अगला है साथियों एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। जी हाँ, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। किसमें मापते हैं दोस्तों, सीजीएस पद्धति में, दूसरा है एफपीएस पद्धति में, उसके बाद सी वाला है एसआई पद्धति में और डी वाला है एमकेएस पद्धति में। तो दोस्तों एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक कौन है। तो इसका सही आंसर है साथियों एसआई पद्धति में। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी वाला, जो कि एसआई पद्धति में एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10^-26 ग्राम है। तो एक ग्राम में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा। पहला 1.10 इंटू 10^25, बी वाला है 1.093 इंटू 10^23, सी वाला है साथियों 110 इंटू 110 इंटू 10^-27 या चौथा है साथियों डी 0.1097 इंटू 10^26। तो आपको इसमें चारों में आंसर क्या है। तो आंसर इसमें जो होगा साथियों यह है डी वाला, इसका सही आंसर होगा 0.1097 इंटू 10^26। आगे चलते हैं साथियों, अगला है वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स की जो अल्पतमांक है वह क्या है। पहला है साथियों 0.01 mm, दूसरा है साथियों 0.02 mm, तीसरा है 0.05 mm और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक, जी हाँ अल्पतमांक हम किसे कहते हैं कि उसी इकाई द्वारा हम कितनी से कितनी छोटी राशि का मापन कर सकते हैं उसे हम अल्पतमांक कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर द्वारा हम कितनी छोटी राशि का माप कर सकते हैं। तो आंसर जो होगा दोस्तों वो होता है 0.02 mm। जी हाँ दोस्तों, मीट्रिक पद्धति में 0.02 mm जो होता है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है। और साथियों अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर में 0.01 mm जो होता है वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। और दोस्तों वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर का दोनों का अल्पतमांक जो इंच में होता है साथियों तो होता है 0.01 इंच, 0.001 इंच। तो आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों यह साथियों पॉलिटेक्निक 2013 इंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों कार्य का सीजीएस मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है क्या होता है। पहला है ऑप्शन दोस्तों ए न्यूटन, बी है साथियों डाइन, सी है जूल और डी है अर्ग।
तो साथियों इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला सही आंसर है अर्ग। जी हाँ, कार्य का जो CGS मात्रक होता है दोस्तों अर्ग होता है। आगे चलते हैं साथियों, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में हमें छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगला है बल का CGS मात्रक है। जी हाँ साथियों, बल का CGS मात्रक, जिसे हम आपको बताए CGS का फुल फॉर्म क्या बताए थे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। जी हाँ, बल का जो CGS मात्रक है क्या है, पहला ऑप्शन है आपका न्यूटन, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है साथियों डाइन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आप में से ज़्यादा लोग तुरंत बिना सोचे समझे आंसर गलत मार देते हैं। कोई न्यूटन का मार देगा तो कोई किलोग्राम का। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है डाइन। जी हाँ साथियों, बल का जो CGS मात्रक है वो है डाइन। आगे चलते हैं साथियों, अगला है विद्युत विभव का MKS मात्रक है। जी हाँ साथियों, विद्युत विभव का जो MKS मात्रक है क्या है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला रहेगा वोल्ट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है कूलम और डी वाला है न्यूटन अपॉन कूलम। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि विद्युत विभव का MKS मात्रक होता है। तो साथियों इसमें जो आपका सही आंसर है वो होगा वोल्ट। जी हाँ, वोल्ट जो है वह विद्युत विभव का MKS मात्रक होता है। तो आगे चलते हैं साथियों, अगला है निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे आंसर का जवाब देते समय आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लेंगे। जैसे इसमें दिया है निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है, तो इस आधे से ज़्यादा लोग जल्दी जल्दबाजी करते समय पढ़ लेते हैं कि दूरी का मात्रक है। तो आप ऐसा ना करें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, उसके बाद आंसर अपना देंगे। पहला है साथियों मीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है न्यूटन और चौथा है फुट। जी हाँ दोस्तों, इन चारों में ऐसी कौन सी इकाई है जो कि दूरी का मात्रक नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है साथियों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, अगली वीडियो में आपके लिए दो क्वेश्चन हम पर डे छोड़ कर जाएंगे और आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों दूरी का मात्रक जो है न्यूटन नहीं है, बाकी दूरी का मात्रक जो है मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है और फुट भी है। तो आपको कैसी लगी दोस्तों हमारी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप पॉलिटेक्निक, रेलवे, ग्रुप डी, आर्मी, पुलिस, SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।